किसी बैरूनी ताकत को हमारे फैसले करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ जो हो रहा है ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसे अंदरूनी तौर पर हल करेंगे। बैरूनी ताकतें उस वक्त असरअंदाज होती हैं जब उनके पास आपकी कमजोरी हो। साबिक वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि मसाइल का एक ही हल है कि इंतखाबात हों और अवाम अपनी क़यादत मुंतखब करें। हमला करने वाले मुल्ज़िम की मजहबी जुनूनियत छोड़ दें, लगता यही है कि वो तरबियत याफ्ता है। कप्तान ने कहा मुखालिफीन ने बयानिया बनाया कि मुझ पर हमला किसी मजहबी जुनूनी ने किया, जिसने मुझ पर हमला किया शवाहिद आ रहे हैं कि वो कोई मजहबी शिद्दत पसंद नहीं था। पीटीआई चेयरमैन का कहना था आजकल सोशल मीडिया बहुत मुतहरिक है, बहुत से हकायक सामने आ जाते हैं। लोगों ने मुलजिम के पड़ोसियों और जान पहचान वाले लोगों से बातचीत की। इसके पड़ोसियों ने बताया कि वो तो नमाज तक नहीं पढ़ता था तो मजहबी कैसे हो गया। उन्होंने बताया मुलजिम की मजहबी जुनूनियत को छोड़ ही दें, फायरिंग से लगता यही है कि तरबियत याफ्ता है। मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था मुझे मारने का। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।